छोटे होते थे तो ये रेसिपी हमारे घरों में बहुत बनाई जाती थी, लेकिन समय के साथ साथ जंक फूड्स आ गए और ये रेसिपी कहीं पीछे छूट गई। तो मैं अपने बचपन की यादों को फिर से ताजा करने के लिए आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू ब्रेड कटलेट की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाते हैं। आलू ब्रेड कटलर बनाने के लिए सबसे पहले हम 5-6 उबले हुए आलू लेंगे और इनको हम कद्दूकस कर लेंगे। हम इसको मैश भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे ही कर सकते हो। तो मैंने आलू कद्दूकस कर लिए हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हरी मिर्ची, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल के इस सबको मिक्स कर लूंगी। देखिए गाइस, हमने सारे मसाले और आलू अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो मैंने इसमें 2 हरी मिर्ची डाल दी है, और लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप हरी मिर्ची नहीं डालोगे, तभी भी कटलेट बहुत अच्छे बनेंगे। तो अब मैंने ब्रेड लिया है। गाइस, आप इसमें कोई सा भी ब्रेड यूज कर सकते हो, ब्राउन ब्रेड, आटा ब्रेड या व्हाइट ब्रेड, जो भी ब्रेड आपको पसंद हो आप वही ब्रेड लीजिए और उसके साइड्स को हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो जब तक हम ब्रेड को काटते हैं तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी लेंगे और ब्रेड्स को ऐसे थोड़ा से पानी से भिगो लेंगे और अच्छे से उसका पानी निकाल लेंगे। और उसमें हम आलू की फिलिंग कर लेंगे और इस तरह से दबाते हुए उसको सील पैक कर लेंगे ताकि हमारे आलू कहीं से बाहर ना निकल पाए। देखिए गाइस, इस तरह से हमने इसको सिलेंडर की शेप दे देनी है। एक और बना के दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने ब्रेड को पानी में भिगो लेना है और अच्छे से सारा पानी निचोड़ के उसमें आलू की फिलिंग कर लेनी है और उसको हम सील पैक कर लेंगे। आप चाहो तो इसको राउंड शेप भी दे सकते हो, लेकिन हम बचपन से ऐसे ही खाते आए हैं तो मैंने वही शेप दी है। तो इस तरह से मैंने सारे कटलेट्स बना लिए हैं। अब एक कढ़ाई में हम ऑयल लेंगे और ऑयल को हम गरम कर लेंगे। गाइस, ऑयल बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गरम होगा तो हमारे कटलेट्स एकदम से जल जाएंगे, और अगर ठंडा होगा तो ब्रेड ऑयल को पी लेगी। तो इसलिए हमने मीडियम हीट पे ही कटलेट्स को पकाना है। तो एक बार में मैंने 4 कटलेट्स डाले हैं ताकि हम इजली इनको पका पाए। देखिए गाइस, जैसे ही हमारे कटलेट ब्राउन होंगे तो हम इनको बाहर निकाल देंगे। गाइस, खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं ये कटलेट्स। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो गाइस, अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए आप भी ये कटलेट जरूर बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं गाइस ये। तो इसको मैं टमाटो सॉस और धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व करूंगी।
तो इतना झटपट से बनने वाला और टेस्टी स्नैक्स हम घर पे ही बना सकते हैं, तो बाहर से क्यों मंगवाएं कुछ? तो फिर बनाएं इसको। लेट्स टेस्ट।